नोइंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए और इसके अलावा सिडको से रिलेटेड जो प्रकल्पग्रस्तों के इशू हैं उनका समाधान हो, इसके लिए 27 गांव प्रकल्पवादी समिति ने भी नए सिरे से आंदोलन की तैयारी कर ली है। उस समिति के कोर कमेटी के मेंबर और जो सर्वपक्षीय समन्वय समिति है उसके मेंबर रुपेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या अभी भूमिका है? आज फिर से सर्वपक्षीय जो समन्वय समिति है उसने कहा है कि 13 तारीख को जयंती मनाई जाएगी दीबा पाटिल साहब के की और उस दिन परिषद होगा और उस परिषद में सिडको और सरकार की भूमिका के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। एक युवा प्रकल्पग्रस्त होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर देखा जाए तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है, पर ये धमाके हम लोग करते ही रहेंगे। अगर ये आंदोलन में भूमिपुत्र परिषद में नहीं सुना तो हम लोग वापस आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन का वारसा हमें हमारे नारायण नागू पाटिल साहब ने दिया है, दीबा पाटिल साहब ने दिया है, तो ये आंदोलन का वारसा लेके हम लोग चलेंगे। जब तक ये सुनते नहीं, हमारी मांगे पूरे करते नहीं, दीबा पाटिल साहब का नाम मंत्र को लगता नहीं, तब तक ये आंदोलन का जरिया जो है वो हम लोग चालू रखने वाले। जिस तरह से सिडको और राज्य सरकार तमाम मांगों और शिकायतों के बाद, तमाम बैठकों के बाद भी गंभीर नहीं दिख रही है इस नामकरण को लेकर या प्रकल्पग्रस्तों के समस्याओं के समाधान को लेकर, आप इसका समाधान कैसे देख रहे हैं? देखा जाए तो सिडको से जो 12.5% का जो आंदोलन है वो भी अभी भी बाकी है, क्योंकि बहुत से भूमिपुत्र है उनके रिलेटेड जो 12.5% के प्रश्न है वो अभी तक सॉल्व हुए नहीं है। तो देखा जाए तो सिडको की ये आदत ही है, मतलब अगर कोई घर बांधता है उनके सीसी लेके और वो नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो फाइन लगाते हैं, इस पे फाइन बैठेगा। तो अगर सिडको यहाँ पे भूमिपुत्रों का जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब करती है तो भूमिपुत्रों का जो फाइन है वो ये भी उन्हें लगना चाहिए। इसके लिए मतलब सिर्फ न्याय है जो दोनों बाजू से समान होना चाहिए, ये हमारी राय है। अगर बहुत सारे प्रकल्पग्रस्तों की हम बात सुने तो उनका कहना है कि जो उम्मीद हम कर रहे थे कि 16 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं एयरपोर्ट नामांतरण का फैसला होगा, नहीं हुआ, आंदोलन बंद पड़ गया। अब नए सिरे से जो आंदोलन की तैयारी है या काम बंद करने की तैयारी है, अब आपको लगता है कि जो युवा प्रकल्पग्रस्त हैं उनको एक भरोसा जगा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए उनकी जो मांग है वो पूरी होगी? हाँ, मांग तो पूरी होगी, भरोसा ही है और भरोसे पे तो पूरी दुनिया चलते हो, हम लोग भी भरोसे पे चल रहे हैं, लेकिन हमें एक और एक भरोसा है कि हम लोग ये करके रहेंगे और दीबा पाटिल साहब का नाम लगा के रहेंगे। अगर 13 तारीख को परिषद अगर सरकार या पुलिस नहीं होने देती है तो ऐसे में कैसे अपने न्याय मांगने की तैयारी? अगर देखा जाए तो 10 जून को और 24 जून को जो आंदोलन हुए थे उनमें एक भी भूमिपुत्र पॉजिटिव के केस नहीं आई, इतनी हमने कोरोना की तभी भी कोरोना काल चल रहा था और इतनी खबरदारी हमने ली थी। अभी 2 वैक्सीन होने के बाद भी अगर सरकार हम पे निर्बंध लगाती है तो हम पर केसेस भी किए तो भी चलेगा, लेकिन भूमिपुत्र परिषद होगी, ये अटल है। न्याय के लिए किस तरह की उम्मीद आपको है सरकार और सिडको से? अगर देखा जाए तो सरकार ने एक सोचना चाहिए, बाला साहब ठाकरे ने अपना जो पुत्र प्रेम था वो रोका नहीं, इसलिए मनसे पक्ष स्थापन हुआ है। अगर वापस उन्होंने पिता प्रेम उनका रोका नहीं तो वहाँ पे उनकी जो अभी अगले इलेक्शन में आने वाली सीट है वो खाली हो जाएगी और यहाँ पे भूमिपुत्र लड़ेंगे और भूमिपुत्र उनका न्याय करेंगे। और सिडको को देखा जाए तो सिडको ने भूमिपुत्र के बारे में ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर में सोचना चाहिए, क्योंकि सिडको को जो फाइनेंस खड़ा किया है वो यहाँ के भूमिपुत्र ने किया है। मतलब हमारी 100% ज़मीन देखे हमने सिर्फ 12.5% लिए है, इसका मतलब हमने ऊपर के जो 10% है वो उनको सिडको को ऐसे मुफ्त में दिए है, तो हमारे भरोसे पे नहीं तो हमारे प्रॉपर्टी पे सिडको चल रही है। तो सिडको ने भूमिपुत्र का ठीक से सॉफ्ट कॉर्नर से विचार करके हमारे बाजू में न्याय देना चाहिए, जो लिया हुआ ठहराव है वो खंडित होना चाहिए, यही मांग पे हम लोग अटल रहने वाले। बहुत बहुत थैंक यू। आपने जैसे देखा कि रुपेश जी ने बताया कि सिडको को सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना चाहिए और प्रकल्पग्रस्तों को न्याय देने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि जो एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम देने की जो मांग है वो पूरी हो सके। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।